सेनेट चूंडू आईन तहत गुझे तरीके से थी। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस से राय दे छी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट जरिए कराने वाली सदारत अदालत पांजे राय में चयो है सेनेट चूंडू ओपन बैलेट से न थी करा सकजन। उन करे सेनेट इलेक्शन कानून बदरा आईन तहत गुझे तरीके से थी। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है चूंड अमल में करप्शन के रोके समूरा इदारा इलेक्शन कमीशन से सहकार कर पाबंद है। वोट सदाई गुझो न रही सके। सुप्रीम कोर्ट सेनेट चूंड में बैलेट पेपर सुनाव जोगो हुजन जो चई छो। अल्लाह ताला जा करम आहिन जेको चाहियो सी वो ही मिली वयो। अटर्नी जनरल खालिद जावेद जो सेनेट चूंड बाबत सुप्रीम कोर्ट की राय ते रद्द अमल। अटर्नी जनरल जो चवण आ तो हाने इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी आ तो वोट के सुनाव जोगो बनाने लाए बार कोड या सीरियल नंबर लगाए। सुप्रीम कोर्ट की यह राय अहमियत जोगी है तो बैलेट पेपर की सिक्रेसी हतमी न थी सके। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन का वोट गुझो न रखने लाए कदम खण जो मुतालबो कर छो। सुध समावारे वफाकी वजीर शिबली फराज जो चवण है असा समझो तो सुप्रीम कोर्ट कुछ हकीकतू न बुध आन तो अपील करण हक है। हाँ इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल कदे यकीनी बनाए तो वोट दायमी तौर गुझो न हुए। हुकूमत सेनेट चूंडन के शफाफ बनाने वाले मकसद का सदारती रेफरेंस दाखिल कर हो। पीपल्स पार्टी सेनेट चूंड बाबत सुप्रीम कोर्ट की राय के सुटो सोन करार दे छो। शिरी रहमान जो चवण है तो हुकूमत आईन पार्लियामेंट के बेतौकीर करण वाली कोशिश नाकाम थी वही है। हुकूमती टीम मुल्क में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कई पर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के पार्लियामेंट जो रस्तो दिखारो है। हुकूमत मुल्क के एडहॉक बुनियादन से हलण बंद कर मुल्क ऑर्डिनेंस जरिए न पर पार्लियामेंट जरिए हल्द है। हुकूमत में सियासी मामला हल कर सलाहत ही न है। पीपी अगवान लतीफ खोसा चयो है सेनेट चूंडन बाबत सदारती आर्डिनेंस कालादम थी वो। इदारा अदालती फैसलन के मंझण जा पाबंद आन। हुकूमत मशवरो घुरियो सुप्रीम कोर्ट दई छो। साफ ए शफाफ चूंडू कराने लाए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। अदालती फैसलो पीडीएम के इखलाकी कानूनी सोब है। नायल हुकमरान के एक भेरों बीहर शिकस्त मिली वही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आजियां कयू था खुशी थी है तो सुप्रीम कोर्ट भी आइन मौजूद फैसलो नो डस्का जे तक इन 75 ते भी हुकूमत के शिकस्त जो मुंह दिसण पयो। सुबाई वजीर नासिर हुसैन शाह जो सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस बाबत राय ते रद्द अमल। पीटीआई अगवान सेनेटर फैसल जावेद चयो है सदारती रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो पाकिस्तान की फतेह है। पे भेरो मानुन के खबर पई तो सेनेट में छा थींदो आए। इमरान खान चूंडन में शफाफियत ए करप्शन जो खात्मो चाहे तो अपोजिशन चाहे थी। अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी वफाकी वजीर फवाद चौधरी की नाइली बाबत केसेस में कौमी असेंबली के स्पीकर सेनेट चेयरमैन का राय तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्ला राय तलब कई है पार्लियामेंट के अड़ा केस हल कर को फोरम मौजूद है। जैसे फोरम मौजूद ना है तो स्टैंडिंग कमेटी जोड़े सके थी। पार्लियामेंट जो कम हो तो अड़ा मामलन अदालत में न अचन। अड़ा सियासी केस अदालत में अचण जो नुकसान अदलिया के ही है। जै पार्टी खिलाफ़ फैसलो अचे तो वह अदलिया खिलाफ़ मुहिम हलए थी। सिंध हाईकोर्ट नैब इंक्वायरी में जेलन वाले सूबाई सलाहकार एजाज जखरानी के 15 मार्च तक गिरफ्तार न करने जो हुक्म दे छो।
एजाज जखरानी की हिफाजत जमानत में 15 मार्च तक वाद। नए प्रोसिक्यूटर जो चवण है तो एजाज जखरानी खिलाफ करप्शन बाबत जांच जारी है। कंबरजे सिटी थाने में 4 दिन अग मंशात केस में गिरफ्तार जवाबदार रफीक शहर लॉकअप तोड़े फरार थी वो एसएसपी मामले जो नोटिस वी छो एसएचओ हारून मुगेरी समेत एहलकार गिरफ्तार मामले की जांच लाए डीएसपी कंबर की अगवाणी में टीम जोड़ी वही। हैदराबाद की दहशतगर्दी टोड़ अदालत में गैरकानूनी हथियार रखने वाले केस की बुधवी अदालत एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज उमरान गोरी इंतखाब आलम तस्नीम आलम के केसन में भरी कर छो। लाड़काड़े में एंटी करप्शन टीम जो पब्लिक हेल्थ के ऑफिस से छापो रिकॉर्ड तहवील में वरतो वो अमले का पूछा गा छा। नशर फिरोज भरसा बाईपास वट ट्रालर जो मोटरसाइकिल के टक्कर ब जणा फोत थी व्या फोतिन जी सुणप घोट जुम्मन वासी मुनवर ए मारूफ राजपर तौर थी। वेटिया भरसा सोराब वाले इलाके में तेज रफ्तार वीगो कल्टी ब जणा फौत पंजणा जख्मी लाड़काड़े भरसा खैरपुर रोड से जानन सा भरियल डार्टन कल्टी औरतों ने बारन समेत 20 का वधिक मानू जख्मी मेहर गोठ उस्मान कलोड़ो में गदा गाड़े और मोटरसाइकिल में टक्कर एक जड़ो फौत फौती की सुणप फिदा हुसैन जस्तानी तौर थी। मेयर पुलिस 5 दिन अग गोट सतार डिनो माछी में गिरफ्तार नौजवान सदा मला के हाफराए कर छो। जख्मी नौजवान के वारसन जो पुलिस खिलाफ एहतजाज पुलिस जो चवण है तो मेयर गाजी खावर रोड से पुलिस के ऐसे हथियारबंदन फायरिंग कई जवाबी फायरिंग में सदा मला के जख्मी हालत में गिरफ्तार किया।